हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं न्यू डिज़ाइनर अफ़गानी सलवार। और अफ़गानी सलवार जो है बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और इस तरह की सलवार आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने फैब्रिक का पीस लिया है इस तरह से, ये डबल फोल्ड में है। और अभी हम क्या करेंगे कि इसे बराबर से फोर फोल्ड में बिछा देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसे फोर फोल्ड में बिछा दिया है। उसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पे 19 इंच पर लेंगे और हिप जो है वो हम यहाँ पे 9 इंच पे लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर से हम 9 इंच पे हिप ले लेंगे और क्रॉच हम यहाँ पे लेंगे 10 इंच पे। 2 इंच का हमारा बेल्ट हो जाएगा तो क्रॉच हमारी 8 इंच पे हो जाएंगी। बॉटम आप आपके हिसाब से जितना ज़्यादा चाहो उतना ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारी सलवार की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और आप देख सकते हो कि हम उसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये सलवार बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और अफ़गानी सलवार आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चलती है। तो ये सलवार बहुत ही फटाफट से बन के रेडी हो जाती है। आप देख सकते हो अभी हम इसे दो पार्ट में अलग कर देंगे। इस तरह से अभी हमने इसे अलग कर दिया है और अभी हम इसे बराबर से कर देंगे इस तरह से और इसके दोनों क्रॉच में स्टिचिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसमें स्टिचिंग कर दिया है और अभी इसे इस तरह से हम क्या करेंगे कि डबल फोल्ड करके यहाँ पर इसका बेल्ट बना लेंगे। तो जिस तरह से हम बेल्ट तैयार करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसका बेल्ट तैयार कर लेना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसमें बेल्ट को तैयार कर दिया है और इलास्टिक के लिए थोड़ी सी जगह रखी है। इस तरह से अभी ये बेल्ट रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, बॉटम में इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स ले लेनी है। तो यहाँ पर अभी हम इसमें प्लेट्स डाल के बताएंगे। इस तरह से प्लेट्स में स्टिचिंग कर देना है, देन दूसरे पार्ट में भी उसी तरह से हमें प्लेट्स को स्टिचिंग कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसकी प्लेट्स डाल दी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है ये। और अभी इसकी जो विड्थ आई है वो यहाँ पे 13 इंच पे है। तो अभी हमें इसी माप का दो स्ट्रिप ले लेनी है। तो यहाँ पर अभी हमने दो स्ट्रिप ली है और ये डबल फोल्ड में है इस तरह। अभी हम इसकी विड्थ देख लेंगे। तो इसकी विड्थ यहाँ पे 13 इंच पे है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हमने 4 इंच पर ली है। और अभी हमें क्या करना है, इस स्ट्रिप को इसके ऊपर रख कर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो सिंपली यहाँ पर हमें इस तरह से इसके ऊपर रख कर सिलाई लगा देनी है और इसे रेडी करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसका बॉटम बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर रेडी किया है। दोनों बॉटम हमने यहाँ पर रेडी कर दिए हैं। अभी हम इसका लुक बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक डिज़ाइनर से लेस लेंगे और उसे इस तरह से लेस का पैटर्न बना लेंगे। आप जिस तरह से चाहो उस तरह से यहाँ पर बॉटम में लेस का पैटर्न बना सकते हो। हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका लेस का पैटर्न बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हमने मैचिंग लेस के साथ में ही इसका पैटर्न बनाया हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये बॉटम हमारा बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है बेबीज़ के लिए। तो इस तरह से हमारा बॉटम रेडी हो गया है। अभी हमें इसे उल्टा रख देना है और यहाँ पर से इसके सिलाई लगा देनी है फिटिंग के लिए। तो यहाँ पर से हमें इसमें पूरे में इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई लगा देनी है और इसे रेडी कर देना है। और अभी हम एक इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक की जो विड्थ है वो हमने यहाँ पे 19 इंच पर ली है। आप आपके बेबी की हेल्थ के हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है कि एक पिन की मदद से इलास्टिक को इसके अंदर पूरे में अटैच कर देना है। सिंपली हम जिस तरह से इलास्टिक अटैच करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर इसमें इलास्टिक को अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसमें इलास्टिक को अटैच कर दिया है। इसे बराबर से करके फिटिंग के लिए सिलाई लगा देनी है।
तो अभी हमने यहाँ पर फिटिंग के लिए सिलाई भी लगा दी है और अभी हमारी अफगानी सलवार बिल्कुल भी बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये इलास्टिक इसमें अटैच हो गया है और हमारी सलवार बन के रेडी हो गई है। ये हमने 3 से 3.5 साल की बच्ची के लिए रेडी किया है। आप आपके बेबी के हिसाब से ये सलवार को रेडी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी है बनाने में और बहुत ही आसानी से ये सलवार बन के रेडी हो जाती है। तो इस तरह की सलवार आप आपके बेबी के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसानी से ये सलवार बन के रेडी हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे रेडी किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।